तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों? मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब सही होंगे। दोस्तों आज मैं आपको बता रहा हूँ, सैमसंग की जो रिमाइंडर ऐप होती है दोस्तों, उसके अंदर एक नया अपडेट आया है। उस नए अपडेट के बाद वहां पर बहुत सारे नए चेंजेस, या बोल सकते हैं नए फीचर को एड ऑन किया गया है। क्या नया अपडेट है और क्या नए चेंजेस किए आगे आपको वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा तो ही आप समझ पाएंगे। दोस्तों चलते हैं आगे। मेरा नाम सनी अरोड़ा और आपका स्वागत है मेरे चैनल एसेट टेक में। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, मैंने अपडेट के बारे में बता रहा हूँ रिमाइंडर ऐप के, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ जाना है आपको अपने मोबाइल के गैलेक्सी स्टोर में। गैलेक्सी स्टोर में जाने के बाद आप आए अपडेट्स में जाएंगे तो आप देखेंगे ये नया अपडेट्स आया है। ये नया अपडेट जो कि आया है यहाँ पर नीचे की तरफ देखेंगे, इस वर्जन का नाम है 12.3.07.0 और इसका अपडेट आया है 18 जुलाई को, ये रोल आउट किया गया है, जो कि है 24 MB का ये अपडेट है। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर ये 6 नए चेंजेस किए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नए चेंजेस यहाँ पर किए गए, तो इसको अपडेट कर लेते हैं। अपडेट के साथ साथ दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी अपडेट कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे सैमसंग रिलेटेड वीडियो बना देता हूँ ताकि आपको तुरंत ही अपडेट मिल जाए। तो इसको मैं अपडेट कर लेता हूँ, अपडेट होने के बाद बताते हैं क्या क्या नए चेंजेस हैं और कैसे आप इसका यूज कर पाएंगे। तो मैं इसको अपडेट कर लेता हूँ। दोस्तों फाइनली ये अपडेट हो चुका है। यहाँ पर सबसे पहले जो फीचर लिखा गया है आप देखेंगे, पॉसिबल टू सिंक्रोनाइज विथ माइक्रोसॉफ्ट डू चेकलिस्ट। आप यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट के साथ सिंक्रोनाइजेशन कर सकते हैं आपके जो भी रिमाइंडर हो। कैसे, इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर जाना है, थ्री डॉट्स पे यहाँ पर जाएंगे तो आप देखेंगे आपको यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट का एक नया ऑप्शन वहां पर हाईलाइट होकर भी दिख रहा है, एंड कि यहाँ पर ये नया चेंजेस किया गया। आप इस पर जाके इसको सिंक्रोनाइजेशन कर सकते हैं। आपको यहाँ पर साइन इन कर लेना है अपने माइक्रोसॉफ्ट से और आप यहाँ पर उसको सिंक्रोनाइजेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहला नया चेंजेस तो यही था। उसके बाद दोस्तों सेकंड चेंजेस क्या है, उसके लिए वापस मैं आपको यहां ले जाता हूं। यहां पर आप देखेंगे पॉसिबल टू शेयर रिमाइंडर। अब आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपने अपने रिमाइंडर है उसको शेयर कर सकते हैं। कैसे, लाइक मेरा ये रिमाइंडर बना हुआ, अब यहां पर आपको शेयर का ऑप्शन मिल गया। पहले यहां पर शेयर का ऑप्शन नहीं आता था, आप सिंपल यहां पर शेयर पर क्लिक करेंगे और यहां पर आप कहीं भी इसको शेयर कर सकते हैं। आप शेयर करेंगे तो जो भी उसका टाइटल होगा आप उसको यहां पर शेयर कर सकते हैं। तो सेकंड अपडेट ये वाला था दोस्तों। उसके बाद थर्ड चेंजेस के लिए क्या है, थर्ड चेंजेस यहां पर क्या किया गया है, पॉसिबल टू सिंक्रोनाइजेशन पुलिंग डाउन द लिस्ट स्क्रीन। मतलब कि आप यहां पर सिंक्रोनाइजेशन कर सकते हैं। कैसे, जैसे कि आपने अपने, जैसे आप कोई ब्राउजर पर रहते हैं या फिर कोई दूसरी ऐप पे उसको अपडेट करते हैं तो आप यहां नीचे की तरफ स्वाइप करते हैं तो वो अपडेट हो जाता है। सेम ऐसे ही आप अपने सिंक्रोनाइजेशन कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिक आपके गूगल पे, माइक्रोसॉफ्ट, जहां भी सिंक्रोनाइजेशन है ऑटोमेटिक सिंक्रोनाइजेशन हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहां पर रिमाइंडर का भी आ गया। सिंपल आप यूं करेंगे और यहां पर सिंक्रोनाइजेशन हो जाएगा। यह पहले फीचर नहीं था, यह भी रिसेंटली अभी अपडेट किया गया, बोल सकते हैं रोल आउट किया गया। उसके बाद दोस्तों यहां पर जो फोर्थ फीचर दिया गया है, सपोर्ट टू ट्रेस आफ्टर रिमाइंडर इज रिमूव्ड। ये भी बहुत अच्छा फीचर है, ये भी पहले नहीं था। रिसाइकिल पिन का, अगर आप यहां पर कोई भी, लाइक मैंने ये रिमाइंडर को मैंने यहां से डिलीट कर दिया, सॉरी डिलीट नहीं हुआ, गलत हो गया, ये रिमाइंडर टिक हो गया, गलत हो गया। मैं दोबारा आपको करके बताता हूँ। लाइक मैंने यहां पर डाला सैमसंग, मैंने इसको यूज करा, रिमाइंडर को यूज करा और मैंने इसको माई रिमाइंडर करा और उसको मैंने यहाँ से सेव कर लिया। ठीक है, अब ये सेव हो गया। अब मैं इसको यहाँ से करता हूँ डिलीट, एडिट करके मैंने इसको कर लिया यहाँ से डिलीट। ठीक है, अब आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा रिसाइकिल बिन का, जो कि पहले ऑप्शन नहीं आता था। अब आपको यहाँ पर रिसाइकिल बिन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आप इस पर जाके सिंपली उसको जाके यहाँ से रिस्टोर और डिलीट भी कर सकते हैं। रिस्टोर कर देंगे तो ऑटोमेटिक वो वहाँ पर रिस्टोर हो जाएगा। तो सेकेंड अपडेट, सॉरी फोर्थ अपडेट ये था दोस्तों। उसके बाद जो फिफ्थ चेंज किया गया है, पॉसिबल टू चेंज कैटेगरी ऑन द विजार्ड। ये भी बहुत शानदार फीचर है। कैसे, वो भी बताता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पर आ गया हूँ एक ब्लैंक पेज पे, मैंने यहाँ पर प्रेस एंड होल्ड किया, यहाँ विजार्ड्स पे आया। विजार्ड्स पे जाने के बाद आपको यहाँ पर रिमाइंडर के विजार्ड्स पे जाना है, तो यहाँ पर रिमाइंडर के विजार्ड्स पे आ गया। यहाँ पर अब मैंने इसको यहाँ पर प्रेस करके यूँ ऐड कर दिया, तो आपको यहाँ पर क्या दिया गया, यहाँ पर ये कर दिया गया, आप विजार्ड्स की स्क्रीन पर ही कैटेगरी को चेंज कर सकते हैं। कैसे, ये फिल्टर का ऑप्शन लगा दिया, आप इस पर क्लिक करेंगे तो सारी कैटेगरी आपकी खुल जाएगी और यहाँ पर जो जोन सी कैटेगरी का आपको चाहिए आप उस पर क्लिक कर लीजिए, वही कैटेगरी का आपको वहां पर शो करने लग जाएगा। तो ये फिफ्थ अपडेट था दोस्तों। उसके बाद जो सिक्स चेंजेस दिया गया है वो क्या है, यहाँ पर जो सिक्स चेंजेस किया गया, पॉसिबल टू रिमूव टाइम फ्रॉम टैक्स एडिट थ्रो क्विक ऐड फीचर। ये दोस्तों ये फीचर भी बहुत कमाल का तो नहीं है, बट ये पहले ही आपको सैमसंग कैलेंडर में या सैमसंग अलार्म ऐप में पहले ही आ चुका है, बट अब इसमें भी दे दिए। कैसे, लाइक मैंने यहां पर लिखा गोइंग टू, अब मैंने यहां पर जैसे ऐसे लिख दिया गोइंग टू मूवी एट
7 PM, ठीक है, एट 7 मैंने लिखा, आप देखेंगे वो हाईलाइट हो गया, मूवी भी सही नहीं लिखा, यहाँ पर हाईलाइट हो गया। पहले क्या होता था, आप इसको अगर इसको हटाना चाहते तो हट नहीं सकता था, ऑटोमेटिक वो टाइम लिया, अब आप इसको सिंपल इसको टैप करेंगे तो वो ऑटोमेटिक वहाँ से हट जाएगा। तो लास्ट वन फीचर दोस्तों ये है, यही वहाँ पर 6 नए चेंजेस या 6 फीचर को एड ऑन किया गया था। उम्मीद है कि दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो थैंक यू। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको मेरी वीडियो रियल में पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, और अगर आपको लगता है दोस्तों मेरी वीडियो कुछ कमी है तो मुझे डिसलाइक कर सकते हैं, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी वीडियो में क्या खराब लगा, मैं उसको आगे सुधारने की कोशिश करूंगा। और सबसे जरूरी चीज़ दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और साथ में नोटिफिकेशन वाला आइकन आता है उसको दबाना भी ना भूले, ताकि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक फॉलो करना भी ना भूले, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों।